नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर की सब्जी मंडी, जी नहीं सब्जी मेला, इसे मंडी नहीं मेला ही कहा जा सकता है। इस भीड़ के मंजर को देखकर अगर सरकार की गाइडलाइन की बात करें तो सरेआम रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को ठेंगा दिखा रही है। सागवाड़ा शहर की सब्जी मंडी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 31 से अधिक लोग किसी भी समारोह में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह गाइडलाइन इस सब्जी मंडी पर लागू नहीं होती दिख रही है। इस भीड़ भरे सब्जी मेले से सब्जी बाजार में लोग खरीदते हैं। पुलिस प्रशासन की वहां पहुंचने पर एक बार के लिए भीड़ कम तो हुई, लेकिन क्या इसी तरह हर रोज सब्जी मंडी में भीड़ चिंता का विषय नहीं है? राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा सिद्धि रेजिडेंसी के सामने जैन ट्रेडर्स को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। नहीं, इतनी भीड़ भड़ा का किया क्यों था ये बता? भीड़ भाड़ को सब आप गेन मानते गेन कल भी, हम आए थे आपकी दुकान पर। आप मत बोलिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बात हो रही है ना। आप बताइए, कल इतनी भीड़ आपने कर रखी थी तो क्या आपको नहीं पता है कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अंतर्गत कितने लोग होना चाहिए दुकान? ऐसा होता है कि 2 दिन से ग्राहकी इतनी थी, उस समय ग्राहकी थी, ज्यादा ग्राहकी कोई थी नहीं। वीडियो में दिखाया है, दिखाया उस समय ग्राहक आए थे। नहीं, इससे पहले भी आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना के एक भी प्रयास किया गया? आपको आपको रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन के लिए कुछ ऐसे लोग जो सरदर्द बने हुए हैं, ऐसे लोग जो झूठ बोलकर शहर के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। झूठ की भी हद होती है। कुछ लोग अपने आप को कोरोना पॉजिटिव तक बताने से नहीं चुके तो कुछ कोरोना पॉजिटिव बाजार में घूमते हुए नजर आए। झूठ बोला आपने, पॉजिटिव बोल के जा रहे हो आप। अरे दवाई लेने मेरे को। नहीं, आप झूठ भी बोलते हो। अरे सॉरी, गलती हो गई, दवाई लेने जाने मेरे को। नहीं नहीं, अभी आपने पुलिस के सामने बोला कि आप पॉजिटिव हो और अभी बोल रहे हो झूठ बोल रहा हूँ। मुकेश पाटीदार जी, कहाँ के हो आप? पॉजिटिव है आप बाजार में घूम रहे हैं? आप बोलिए। नहीं, अभी आप पॉजिटिव हैं? अभी तो पॉजिटिव है, सेकंड रिपोर्ट करवा दी सर मैंने। अभी आप पॉजिटिव हैं हाल फिलहाल में? हाँ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप प्रशासन को सूचित किया है कि आप पॉजिटिव है तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ऐसा बताया है क्या? नहीं बताया। डायरेक्ट बाजार में खुलेआम घूम रहे हैं? नहीं नहीं, खुलेआम कहीं नहीं घूम रहा। घूम रहे ना, आपके हाथ में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, मुंह आपके मास्क लगाया, खाली खाली आपने मास्क लगा रखा है, कुछ नहीं है। पॉजिटिव है और इसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं काम से बाहर गया था? इधर अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष मगन यादव के द्वारा अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्यों ने थानाधिकारी अजय सिंह राव की उपस्थिति में सागवाड़ा नगर के गोल चौराहे पर लोगों को मास्क का वितरण किया गया। जी सर, जो आज आपने यहाँ पर गोल चौराहे पर मास्क वितरण किया है, इस संबंध में जो अभी COVID-19 महामारी है उसको देखते हुए जो आपने सराहनीय कार्य किया उसके संबंध में दो शब्द बताएं। हाँ सर, मैं अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हूँ मगन यादव। और सर, गत साल भी हमने लगभग 50,000 का किट बना के बांटा था और 5,000 मास्क बांटे थे। इस साल भी हमने विचार किया कि ये पुलिस प्रशासन, नगर पालिका सभी रात दिन सेवा करते हैं और उनके लिए हमने ये विचार किया कि ऐसे लोग रात दिन सेवा करते हैं और मास्क के बिना, ये पूरा भारत पूरा विश्व कह रहा है कि मास्क नहीं बांधोगे तो ये फैलने की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमने ये पुनर्वास कॉलोनी के सभी हमारे यादव बंधु की तरफ से ये एक पहल है कि हमने ये मास्क, एक पहल है छोटा सा, ये मास्क से कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने एक पहल की है और पहल के माध्यम से लोग बिना मास्क से जो घूमते हैं, ये बीमारी इतनी खतरनाक है और आज हमारे देश पूरा इस महामारी से जूझ रहा है और इस जो हमारे कोरियर है
कोरोना वायरस है, पुलिस प्रशासन और ये मीडिया पर भारी, जैसे जितेंद्र सिंह जी का मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है कि जितेंद्र सिंह जी हर हम कहाँ भी फ़ोन करें और इतना प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप भी बहुत धन्यवाद। और ये पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और मेडिकल विभाग सभी रात दिन सेवा करते हैं और हमने भी थोड़ा ये थोड़ा प्रयत्न किया है कि थोड़ा ये मास्क बांटें। और मैं आपसे ये भी आश्वस्त करता हूँ कि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अभाव है तो हम किसी के खाने की व्यवस्था नहीं हो, किसी के कोई भी व्यवस्था नहीं हो तो हम करेंगे। हमारे पूरे पुनर्वास कॉलोनी के सभी यादव बंधुओं का ये आग्रह है कि कोई भूखा नहीं रहे। ये सागवाड़ा में गत साल सभी समाजों ने मिलजुल कर गत साल सागवाड़ा में सब अच्छी सेवा दी थी, इस साल भी सबकी भावना ये बन रही है कि हमारा सागवाड़ा में कोई भूखा नहीं सोए, कोई बीमारी से नहीं मरे। हम सब प्रयत्न करेंगे तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी और मिलनी है। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर हम पूरे सागवाड़ावासी हम इस कोरोना को मात देंगे, क्योंकि आज पूरा विश्व गुजरात हमारा सागवाड़ा में विशेष करके ज़्यादा है, क्योंकि ये व्यापारी केंद्र है, इसलिए लोग आना जाना है और इसलिए यहाँ पर बीमारी ज़्यादा फैली है। पर फिर भी हम सब यहाँ पर पुलिस प्रशासन विभाग और सभी मीडिया प्रभारी सभी मिल के हम इस कोरोना महामारी को मात देंगे, ये हमें संकल्प लिया और हम सब जनहित में सेवा करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।